हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था दैट इज व्हाई लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर में तो इसलिए एक्सपेरिमेंट आपको याद होने चाहिए ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसिस क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन में भी हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में और यहां पर जो आज हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे दैट इज टू डिमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटो सिंथिस की क्यों क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है तो इसके लिए हमें जो पिछला एक्सपेरिमेंट्स हैं जो भी हमने किए थे एक्सपेरिमेंट जो हमने समझे थे उन एक्सपेरिमेंट्स के स्टेप्स याद होने चाहिए तो अगर एक एक्सपेरिमेंट के स्टेप हमें याद है तो बाकी हम रिलेट आराम से कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट मैथड पॉटेड प्लांट हम क्या करेंगे सेम चीज रिपीट यहां पे करेंगे हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे उस पॉटेड प्लांट को हम सनलाइट से उठा के डार्क रूम में रख देंगे फॉर टू डिस्टार्श द प्लांट सो डिस्टार्ज द पॉटेड प्लांट ऑफ क्रॉटन और पॉथर्स और द मनी प्लांट तो यहाँ पे हम किसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसको एज अ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मनी प्लांट को आपने अगर मनी प्लांट की पत्तियाँ ढंग से देखी हो तो मनी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो वेरिएबल कलर की होती हैं कहीं से डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन येलो समटाइम्स व्हाइट मल्टीपल कलर वो शो करती हैं तो हमने क्या किया डिस्चार्ज किया मनी प्लांट की लीफ को विच आर हैविंग वेरीगेटेड लीव्स वेरीगेटेड लीव्स का मतलब है अलग अलग कलर शो करने वाली पत्तियां जिसमें कंटेन बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट अगर इस पत्ती को हम देखें मान लीजिए मनी प्लांट की पत्ती है तो इस लीफ में हमें दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं एक डार्क ग्रीन वाला पार्ट और एक लाइट ग्रीन वाला पार्ट दो हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं बाई कीपिंग इट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर टू डेज हमने पत, एक पूरे पेड़ को पूरे पॉटेड प्लांट को डार्क में रखा डार्क में रखने का जो हमारा मेन मोटा था वो डिस्टार्ज था डिस्टार्ज करने के बाद हमने उसको सनलाइट में रखा और उसमें से पत्तियां तोड़ ली दो हम उसमें क्या करेंगे दो पत्तियां तोड़ेंगे आई अगेन रिपीट टेक अ पॉटेड प्लांट फर्स्ट नेक्स्ट आफ्टर टेकिंग द पॉटेड प्लांट वी हैव टू कीप दैट प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर डिस्टार्श द प्लांट डिस्टर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे उसको दो से तीन घंटे के लिए सनलाइट में रखेंगे और उसकी दो पत्तियाँ तोड़ लेंगे पत्तियाँ तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे हमें पता चल गया है कि इसमें कुछ एरिया डार्क है कुछ एरिया लाइट है तो हम एक बटर पेपर लेंगे राइस पेपर लेंगे जो ट्रांसपेरेंट होता है और इसके डार्क और लाइट एरिया को हम ट्रेस कर लेंगे इस पर हमने बटर पेपर रखा और हमने ट्रेस कर लिया कि इस पत्ती में इस पत्ती में डार्क ग्रीन पार्ट कौन सा है और लाइट ग्रीन पार्ट कौन सा है तो हम डार्क ग्रीन को कर लेते हैं तो लाइट ग्रीन उसके बाद वाला सारा हिस्सा लाइट ग्रीन हो जाता है एक्सपोज दॉटेड प्लांट टू सनलाइट फॉर टू आवर्स जो मैंने आपको बताया कि हम दो घंटे के लिए उसको सनलाइट में रखेंगे प्लक लीफ और वेरीगेटेड लीफ उसमें दो पत्तियां हम तोड़ लेंगे place a rice paper over it, draw the outline of the green and the non-green areas. हमने पत्ती ले ली और पत्ती लेके उसके ऊपर जब हमने राइस पेपर या बटर पेपर रखा तो हमने देखा कि ये इसका डार्क ग्रीन एरिया है और हमने इस तरीके से इसको ट्रेस कर लिया इसके बाद हम क्या करेंगे ग्रीन एरिया कंटेन क्लोरोफिल जो ग्रीन एरिया है या डार्क ग्रीन एरियाज हैं वो ग्रीन क्यों है क्योंकि तो वहां पे क्या प्रेजेंट है द नॉन ग्रीन एरिया आर पेल इन कलर जो नॉन ग्रीन एरियाज हैं वो पेल है फीके रंग के हैं बिकॉज दे डिड ऑफ क्लोरोफिल यहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है अब क्या करेंगे सेम वही चीज़ हम रिपीट करेंगे प्लेस द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर हम पानी में पत्ती को बॉइल करेंगे पांच से दस मिनट के लिए क्योंकि बॉयलिंग किल द लीफ बॉइल करने से लीफ की जो सेल्स हैं वो मर जाती हैं किल हो जाती हैं तो हमने क्या किया पत्ती को तोड़ा उसको बॉयल किया और बॉयल करने से पहले हमने उसके ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज को ट्रेस कर लिया इसके बाद हम बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद हम क्या करेंगे उसको ड्राई कर लेंगे फिर नेक्स्ट हम करेंगे डिप द लीव इन स्पिरिट ऑफ एल्कोहल 50 टू 60 डिग्रीज़ विद द हेल्प ऑफ वॉटर बाथ सेम चीज़ हमने यहाँ पे बाथ ले लिया यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया बीकर में हमने पत्ती ले ली और यहाँ पे प्रेजेंट है एल्कोहल और यहाँ पे प्रेजेंट है वॉटर और यहां से हम पत्ती को क्या कर रहे हैं बॉयल कर रहे हैं एल्कोहल में या स्पिरिट में क्यों हमने बॉयल किया सेम कॉन्सेप्ट है पिछले एक्सपेरिमेंट का कि उसकी वजह से जो क्लोरोफिल है वो रिमूव या डिजॉल्व हो जाता है फॉर टू रिमूव द क्लोरोफिल वी हैव टू बॉयल द लीव इन एल्कोहल फॉर थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स डायरेक्टली क्यों नहीं बॉयल करेंगे क्योंकि तो जो एल्कोहल है स्पिरिट जो है वो हाईली फ्लेमेबल है आग पकड़ लेगा After 30 to 45 minutes, the leaf will be decolorized जब हम पत्ती को निकालते हैं पिछले एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही देखा था कि जब आप एल्कोहल में बॉयल करने के बाद पत्ती को निकालेंगे तो बिल्कुल फीकी हो जाएगी उसमें हमें एसच एस डार्क लाइट ग्रीन कुछ भी एरिया दिखाई नहीं देगा टेक आउट द डी लीफ डिप इन हॉट वाटर फॉर सॉफ्टनिंग द सेम हम क्या करेंगे उसको नॉर्मल वाटर में या गर्म पानी में उसको वॉश कर लेंगे या डिप कर लेंगे स्प्रेड द लीफ इन अ पेट्री डिश पोर डाइल्यूटेड आयोडिन सोल्यूशन ओवर द लीफ हम क्या करेंगे एक पेट्री डिश लेंगे पेट्री डिश हम सब जानते हैं इस तरीके की प्लेट होती है पेट्री प्लेट इस पेट्री प्लेट में हम लीफ को रख लेंगे ये हमने लीफ को रख लिया है जो बिल्कुल पेल हो चुकी है इसके बाद हम उसपे फैला देंगे आयोडीन या हम कह सकते हैं कि उसको डिप कर देंगे हम आयोडीन सॉल्यूशन में आफ्टर फोर टू फाइव मिनट रिंस ऑफ एक्सेस आयोडीन एंड ऑब्जर्व और थोड़ी देर बाद हम उसमें से एक्सेस आयोडीन हटा देंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये दिख रहा है पत्ती पहले ऐसी थी और उसके बाद ऐसी हो गई तो ऐसा क्यों हुआ इसको हम आगे देखेंगे लीफ बी हैज टू टाइप्स ऑफ पैचेस लीफ जो बी है यहाँ पे हमने दो लीफ ली थी तो हम यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं लीफ बी की जिसमें दो टाइप के पैचेस है ब्लूइश ब्लैकिश एंड येलोइश पैचेस मैंने आपको पहले बताया था दो लीफ के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये बी लीफ की बात हो रही है are आया? इसलिए आया क्योंकि ब्लूइश ब्लैकिश कलर स्टार्च की वजह से आता है जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लूइश एंड ब्लैकिश कलर देता है द ब्लूइश ब्लैक कलर इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ स्टार्च येलो एरिया आर विद स्टार्च जो येलो एरियाज हैं वो बिना स्टार्च के हैं कंपेयर लीफ बी ब्लूइश ब्लैक एंड दरिया विद ए ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया स्केचेस ऑन द राइस पेपर लीफ बी ब्लूइश ब्लैक एरिया आर वंस विच वर ग्रीन प्रीवियसली ऑफ लीफ ए वॉन ग्रीन ऑफ लीफ ए एरिया रिमेन पेल कलर सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो पत्ती हमने ली थी एक पत्ती हमने नॉर्मल रखी एक पत्ती के साथ हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो ब्लूश ब्लैकिश एरिया वो सिंपल सा समझे ये एनसीआर टी ने बहुत सारी डिटेल दे रखी है तो ये डिटेल ये कह रही है कि जो ब्लूश ब्लैकिश एरिया है वो एरिया ऐसा है कि जहां पर स्टार्च प्रेजेंट है और जो पेल कलर है वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्च कहा होगा जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी तो CO2 टू एंड एच जो है कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में वाटर में और ऑक्सीजन में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो एरिया ब्लूइश ब्लैकिश नहीं होगा वो एरिया होगा पेल सो हमने क्या देखा ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरियाज़ प्रोड्यूसट केवल क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो तो हमने पे पे आराम से देख सकते हैं यहाँ पे है dark green कलर है है तो केवल वाला जो area है, वो एरिया स्टार्च बनाएगा क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है वो लाइट को ट्रैप करेगा और कन्वर्ट करवाएगा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का फॉर्मेशन होगा और जो पेल कलर वाला एरिया है वो कलरलेस है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्लोरोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था टू डिमोन्स्ट्रेट वाई द क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटो सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूस स्टार्च विच इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस आर फॉर द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आगे ये वाली लाइन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस